तो देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब एक ऐसा बिजनेस जहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस को चलाता है, बिजनेस को स्टार्ट करता है और इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में क्या करता है, बेसिकली शेयर करता है। समझ में आई या नहीं आई? तो इस वाले बिजनेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ यहीं पर आपके नोट्स बना देता हूँ। अब हम बुक नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप लोग सुभाष दे सर की बुक यूज़ कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, मैं आपके नोट्स जो बनाने हैं यहीं पर मैं आपको पढ़ दूंगा, यहीं पर कंटेंट वगैरह आपको बता दूंगा जो जो चीज़ें हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, जब कोई इंडिविजुअल व्यक्ति क्या करता है, बिजनेस को रन करता है और बिजनेस को चलाता है और बिजनेस में पैसा लगाता है और जब बिजनेस के रिस्क को उठाता है, बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को लेते हैं, तो ये वाला जो बिजनेस है, दिस बिजनेस इज नोन एज, इसको हम प्यार से क्या बोल देंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। समझ में आए? जो इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस को चलाता है उसको ओनर बोलते हैं और वो जो पैसा वगैरह लगाता है उसको हम क्या बोल देते हैं? कैपिटल बोल देते हैं। सोच समझ में आए नहीं? तो सोल प्रोप्राइटर एक तरीके से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन करी जाती है, विच इज़ ओन बाय, जो जिसको कौन ओन करेगा, विच इज़ ओन मैनेज्ड, जिसको ओन करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना बाय इंडिविजुअल। कौन इसको कंट्रोल करेगा मेरे बेटा? कोई भी इंडिविजुअल उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? जी सर, दिस इज द पॉइंट। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है भाई साहब। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा और बिजनेस में पैसा लगाएगा, बिजनेस के रिस्क उठाएगा, बिजनेस के प्रॉफिट लॉसेस लेगा। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट होता है, बिजनेस में मेरे बेटा लॉसेस भी हो सकते हैं। वो खुद से बिजनेस को ओन करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा एंड ही इज़ द, और वही सारे इस बिजनेस के रिवार्ड भी उसी के पास जाएंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवार्ड? यानी कि जो भी प्रॉफिट्स वगैरह है वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। समझ में आए? ये जनरली इस तरीके का बिजनेस काफ़ी कॉमन है, आपको अपने आसपास ज़्यादातर ये वाला बिजनेस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि यार इस तरीके के बिजनेस में कोई कंप्लाइंसेस वगैरह होते नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जॉब नहीं लगी कहीं पे, आपके पास कोई स्किल्स है, आपको लगता है यार चलो अब और कुछ नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड, इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं, खुद का काम धंधा करना। समझ में आई बात है? नहीं तो कुछ किसी भी तरीके, अब लाइक हम लोग कोचिंग चला रहे हैं तो अगर हम दो पार्टनर हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? पार्टनरशिप बन जाएगा। और इंडिविजुअल व्यक्ति बिजनेस को चलाएगा तो प्रोप्राइटरशिप। कोई बंदा ब्यूटी पार्लर की शॉप कर रहा है जैसे घर में आप लोगों ने देखा होगा, कोई सैलून चला रहे हैं, कुछ भी छोटे मोटे जो बिजनेस, जनरली इस तरीके के बिजनेस ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं रह पाते हैं। ये जनरली आसपास थोड़ा बहुत अच्छा भी प्रॉफिट्स कमा लेते हैं बट उतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं जितना एक पार्टनरशिप या कंपनी कर लेती है। समझ में आया नहीं है? कोई रिटेल शॉप चला रहे, यू आर रनिंग अ रिटेल शॉप इन योर, आप अपने आसपास जो देखोगे बिजनेस में कोई रिटेल शॉप आप रन कर रहे हो, दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके के बिजनेस में लेस कैपिटल की आवश्यकता होती है, इस तरीके के बिजनेस में आपको कुछ एज सच ज़्यादा कैपिटल लगाने की नीड नहीं होती है। समझ में आनी है? हाँ, अगर आपको स्मॉल स्केल के लिए बिजनेस करना है तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। ठीक है, जहाँ पर जो भी कस्टमर आपके पास आएंगे आपकी फेस वैल्यू को देख कर आएंगे, आपके नेम को देख कर आएंगे, पहली बार आपको आपके साथ आपके आसपास के लोग ही जुड़ते हैं इनिशियली, उसके बाद जब आप अच्छा काम करने लग जाते हो तो कहीं जाकर फिर आपके पास डिफरेंट एरियाज़ के लोग भी जुड़ने लग जाते हैं। समझ में आया नहीं है? तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन? तो डेफिनेशन जो है, सोल ट्रेडर इज़ द टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये दिस इज़ द डेफिनेशन। डेफिनेशन कोई भी ऑथर देता है, तो डेफिनेशन ना मैं देता हूँ ना आप देते हो, डेफिनेशन कोई भी होता है, सॉरी आई एम सो सॉरी। ठीक है, सोल ट्रेडर इज अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर अ पर्सन इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द, जहाँ पर एक व्यक्ति सारा अकेला रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल देगा, फॉर बियरिंग द रिस्क ऑफ द एंटरप्राइज। तो एक डेफिनेशन आप कोई से भी याद कर सकते हो। चलो, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट स्टार्ट विद द फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस? तो क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो बच्चों वाले फीचर्स हैं फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो जैसा नाम वैसे काम। अरे यार, सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है, इट इज़ वेरी वेरी इजी, और इसको क्लोज करना भी वेरी वेरी इजी है। एज सच कोई डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, नो डॉक्यूमेंट्स, नो लाइसेंस, कोई लाइसेंस वाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, अनलेस आप कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस ना कर रहे हो। अब आप मेडिकल लाइन में मेडिकल शॉप खोलना चाह रहे हो तो फिर तो लाइसेंस चाहिए। फूड वाली लाइन में जा रहे हो तो FCCI का लाइसेंस चाहिए होगा आप लोग,
समझ में आई बात है, लेकिन आपको कोचिंग खोलनी है, अरे खोल दो कोचिंग सर, कोई दिक्कत नहीं है। और बिजनेस का क्लोजर भी तुम्हारा आज मन कर रहा है, एक साल बाद बंद करना है, कर दो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई या नहीं है? लेकिन ध्यान रखना, बिजनेस नहीं चल पाया, बिजनेस को हम क्लोज कब करेंगे, जब बिजनेस लॉस में चला गया और बिजनेस प्रॉफिट्स लेस प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इट डिपेंड्स, ये बिजनेस बंद होगा या नहीं होगा डिपेंड्स ऑन द विल पावर ऑफ द ओनर। ओनर जो है उसकी विल पावर कैसे, ओनर की क्या कैपेबिलिटी है, ओनर कितना सोचता है। सर वो इज दिस, दिस इज़ द ओनर। सर स्मार्ट सा बनाओ यार ओनर, क्या आप ओनर ऐसे लो यार, तुमने कैसी बात कर दी, स्मार्ट लो, पॉकेट वॉकेट लगा देता हूँ, और क्या चाहिए, तो चश्मा भी पहनाना है, लो ड्राइंग देख रहे हो कितनी बढ़िया है जी, सर मजा आ गया। और इस तरीके के बिजनेस का सबसे बड़ा और नेगेटिव पॉइंट रहता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कल को बिजनेस घाटे में जाएगा, बिजनेस लॉस में जाएगा, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक को क्या करना पड़ जाएगा, सेल करना पड़ जाएगा, घर के बर्तन भांडे तक क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। समझ में आया? अगर फर्म की एसेट्स, अगर आपकी बिजनेस की एसेट्स सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है अगर बिजनेस की एसेट लेस है, बिजनेस की लायबिलिटी, फर्म की एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, फर्म्स एसेट्स आर, इफ फर्म एसेट्स आर, यानी बिजनेस की एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, अगर फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं है टू मीट इट्स लायबिलिटीज़, इसकी लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए, तो इसकी लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए, देन उस केस में क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, देन इट विल बी कंसिडर्ड, देन जो ओनर है, देन ओनर बोल दो, देन प्रोपराइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी, प्रोपराइटर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड आउट। समझ में आई या नहीं? टू मीट द डेट्स ऑफ, टू मीट द डेट्स ऑफ, दैट इज़ द प्रॉपर मीनिंग ऑफ, किस चीज़ का मीनिंग है ये, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि भैया आपके बिजनेस की आपके ओनर के घर के बर्तन भांडे तक क्या हो सकते हैं, बिक सकते हैं, अगर फर्म के ऊपर कर्जा हो जाता है और फर्म की एसेट्स उस कर्जे को चुका नहीं पा रही है तो। ठीक है बेटा, क्लियर हो जाती है बातें? जी सर बिल्कुल क्लियर। दिस इम्प्लाई दैट द ओनर इज पर्सन लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ डेट्स, दिस, तो इसमें अब और कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप पढ़ लेना। थर्ड क्या है हमारे पास? सोल रिस्क बियरर, पढ़ाई करूँगा। थर्ड, सोल रिस्क बियरर, यहाँ पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति क्या करेगा, रिस्क को उठाएगा, एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, प्रॉफिट रिसिपिएंट का मतलब सारा का सारा प्रॉफिट भी इस इंडिविजुअल को ही मिलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब आप सारी मेहनत खुद कर रहे हो, सारा रिस्क आप खुद से उठा रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट पे सारा हक भी आपका ही होगा। कंट्रोल, बच्चों वाली बात है, कंट्रोल भी सारा खुद का ही होगा। समझ में आई बातें नहीं? उसको याद रखना, फॉर्मेशन, क्लोजर, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, एफ यू सोल रिस्क बियरर प्रॉफिट। तो यहाँ पर रिस्क और प्रॉफिट वाली बात आ गई है ना, आर पी आ गया, सी आ गया है, चलो सर नो प्रॉब्लम। ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी, बिल्कुल बिजनेस में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, इस बात को आप ध्यान रखना, नो सेपरेट एंटिटी। प्रोप्राइटरशिप अलग, पार्टनर, मतलब एक्चुअली में जो बिजनेस रहता है और ओनर रहता है, ये सेम माने जाते हैं। जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो दे बोथ आर सेपरेट, बट लीगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या माने जाते हैं, सेम माने जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि कल को बिजनेस घाटे में जाएगा, लॉस में जाएगा, तो पार्टनर्स को खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ जाएगी। आइज ऑफ लॉ में दोनों सेम है, पार्टनर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है अपनी पर्सनल के लिए तो बिजनेस में निकाल लेता है अलग अलग नहीं, जैसे आप और आपके पेरेंट्स फैमिली हैं उसी तरीके से ये मान लिया जाता है। ठीक है भाई साहब, इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो 9th हो जाता है हमारा ये। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, इस बात को आप ध्यान रखना, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी। इस तरीके के बिजनेस थोड़ा कम टाइम के लिए, मतलब ज़्यादा लंबा सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए प्रॉपर ग्रोथ चाहिए होती है, प्रॉफिट्स भी चाहिए होता है ना, आइडियाज़ भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए होते हैं। तो समटाइम जो ओनर है वो डीमोटिवेटेड फील करता है जब वो प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे होते हैं,
उसके साथ कोई व्यक्ति भी नहीं होता जिसके साथ वो सब चीज़ें शेयर कर सके। और जैसे हमें जीवित रहने के लिए खाना पीना जरूर, उसी तरीके से बिजनेस जीवित तभी रह पाता है जब बिजनेस को अच्छा खासा प्रॉफिट्स होता रहे। समझ में आया? तो हर कोई बिजनेस खाली सर्वाइव नहीं करना चाहता, सर्वाइव के बाद एक्सपेंशन करना उसका टारगेट रहता है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, अब कुछ चीज़ें अनसर्टेन है, कभी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी आपको कोई डिसीज हो गया, ओनर को बीमारी हो गई, ओनर की डेथ हो गई, ओनर की घर में फैमिली कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में कई बार ओनर को बिजनेस को बंद, तो आप यू कैन से कि इस तरीके के बिजनेस ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो चल भी सकते हैं। समझ में आया नहीं है? अब इनके कुछ फ़ायदे हैं और उनके कुछ नुकसान हैं तो वो बताता हूँ। देयर आर सर्टेन मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है? क्विक डिसीजन मेकिंग, आप फटाफट डिसीजन ले सकते हो, आपको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सबसे बड़ा मेरिट हो गया। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी बताइए? उसको खुद को कॉन्फिडेंस होता है, बस कॉन्फिडेंस मतलब तो यही होता है कि खुद पे विश्वास होना। चलो वो वाला कॉन्फिडेंस की बात नहीं करे जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेट रखना, कि जो भी इंफॉर्मेशन है दैट विल बी कैप्ट सीक्रेटली। इसका मतलब यहाँ पर सिंपल सही है कि आपके जो डिसीजंस हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, आप जो भी कुछ करने जा रहे हो वो किसी को पता नहीं चलेगा, तो आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्फिडेंस। उसको कोई ज़रूरी नहीं है अपनी किताबें किसी को दिखानी है, पब्लिश करना है। थर्ड तो सबसे अच्छा पॉइंट है, सब लोग क्यों बनाते हैं बिजनेस प्रोप्राइटरशिप, तो ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अभी आप पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करो, आप पार्टनरशिप तभी बन पाएगी जब आपके जैसा कोई एक व्यक्ति मिलेगा जो आपके बिजनेस में अपना विज़न देखे, जो मेहनत करे, जो सोचे कि हाँ हम इस बिज़नेस को, वरना ऐसा बंदा ही कोई नहीं मिल पाता है। तो इट्स नॉट ईजी टू मेक दी पार्टनरशिप इन, बट प्रोप्राइटरशिप में आपका मन है, काम धंधा शुरू करो, लाओ सामान, बेचना शुरू करो, सर्विसेज देना शुरू करो। तो इट्स वेरी ईजी टू फॉर्म करना, और उसको क्लोज करना भी ऐसा काफ़ी आसान है, क्योंकि ऐसा कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है। ठीक है भाई, सब क्लियर है? डायरेक्ट इंसेंटिव, तो डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना कि आपने एफर्ट डाले, आपने मेहनत करी तो आपको कोई सैलरी देगा, आपको कहीं से मिलेगा, आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हो उसका पता चलता रहता है। और दूसरा, आप हर काम को बहुत अच्छे से करते हो, अपना मान कर क्योंकि आप करते हो, तो द नीड टू शेयर प्रॉफिट डज नॉट अराइज। उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उसको किसी के साथ प्रॉफिट्स वगैरह क्या करना है, शेयर करना। समझ में आई बात? फिर सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट? ये आपको हेडिंग्स तो पूरी सेम टू सेम याद होनी चाहिए। यहाँ पर आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ यार, मैंने अपने खुद के लिए कुछ काम करा है। अब देखो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलती है कि चलो यार, बच्चों को पढ़ाया, अच्छा लगा। अदरवाइज़ तो बार टाइम चार्जिंग भी चार्ज, सब जैसा भी नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं सर। तो यहाँ पर क्या है, अगर बिज़नेस सक्सेसफुल होता है तो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने कुछ ना कुछ क्या करा है, अचीव किया है। समझ में आया? आपका नाम भी बनता है, ऐसे कुछ नहीं है, दैट इज़ द मेरिट्स। और उसके अलावा अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो देर आर सर्टन डीमेरिट्स ऑल्सो, लाइक इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आप अकेले व्यक्ति हो, कहाँ से इतना पैसा लेकर आओगे, आपके पास ऐसे जितना पैसा होता ही नहीं। उसके अलावा लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है सर, बिज़नेस की लाइफ क्या है, लिमिटेड है। ओनर जिस दिन ख़त्म, जैसे कि तो समझ लेना बिज़नेस भी ख़त्म, बिज़नेस चल पाना बड़ा मुश्किल है। ओनर की डेथ हो जाए, जेल में चला जाए, ओनर की तबीयत ख़राब हो जाए, इम्प्रिजनमेंट वगैरह, इनसे पाने पागल हो जाए, ओनर कुछ भी हो जाए, ल्यूनेसी हो जाए, बैंकरप्सी हो जाए, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। ओनर किसी के प्यार में पड़ जाए, ठीक है भाई, प्यार में पड़ के फिर भैया पागल हो जाए, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट इज़ द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कि कल को बिज़नेस घाटे में जा रहा है, बिज़नेस के ऊपर कर्जा हो रहा है, और जो बिज़नेस की एसेट्स हैं वो फर्म की जो एसेट्स हैं वो सफिशेंट नहीं है। किस चीज़ के लिए सफिशेंट नहीं है? डेट्स को चुकाने के लिए। हाँ, फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए। तो उस केस में जो पार्टनर है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी तक की क्या हो जाएगी, सेल आउट, बहुत ही बढ़िया, लिमिटेड मैनेजेबल ऐप, बिल्कुल सही बात है। अब मैं हूँ, मान लो चलो आप अपना छोड़ो, आपके पिताजी सोल प्रोपराइटर्स है, तो उनकी एक लिमिटेड मैनेजर, उनका दिमाग जितना काम करे उतने, वो नहीं सोच सकते कि जी कितना ऐड करना है, कितना एडवर्ट, किस कैसे बिजनेस को बढ़ाना है। तो हर किसी के पास एक लिमिटेड आइडियाज़ रहते हैं, वहीं दो लोग रहते हैं, तीन लोग रहते हैं, तो सब अपनी अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपने अपने उतना दिमाग होता है, तो कहीं ना कहीं मैनेजर, तो कई बार हम बिज़नेस को इसलिए भी अच्छे लेवल पर नहीं ले जा पाते। ठीक है भाई सर, तो इट इज़ रेट टू फाइंड आउट, मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति हर किसी एरिया में बेस्ट हो,
तो डिसीजन मेकिंग कई बार इतनी बढ़िया नहीं हो पाती और लिमिटेड रिसोर्सेज भी होते हैं। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपके पास पैसे का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब जाकर आप रिसोर्सेज को अचीव करें। तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा रहा, आज के हमारे नोट्स भी बने। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फास्ट हो रही है, DM कॉन्फिडेंशियलिटी है, ईजी ऑफ फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन और क्लोजर काफ़ी आसान है, डायरेक्ट इंसेंटिव है ना, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, तो ऐसा कुछ बनाओगे, लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टीन्यूटी, बिजनेस कॉन्टीन्यूशन बहुत लो है, ठीक है। तो बस FUCP BC, ठीक है भाई सब, तो अब आप इसका तो बन गया फॉर्मेशन। ठीक है चलो जी सर, अब आप इसको फॉर्म कर सकते हो, FUCR है, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यू BC होगा, ठीक है। तो इसको खुद से याद कर लेना सारी हेडिंग्स वगैरह को, बाकी अगली बार हम HUF के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉप पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, ठीक है, थैंक यू।